मैथमेटिक्स हमारे माइंड में जब भी मैथ का वर्ड सुनते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं माइंड में फौरी से आती हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास नंबर्स आते हैं कि नंबर गेम होगी कोई नंबर्स में वन टू थ्री फोर अप टू सोन नंबर्स आ जाते हैं नंबर्स के बाद कुछ ऑपरेशंस आते हैं जिनमें हमारे पास ऑपरेशंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और इसके अलावा कुछ और ऑपरेशन जो एक्सपोनेंट और स्केयर रूट कुछ परेशन हमारे माइंड में आते हैं इनके अलावा डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं शेप्स में सर्कल ओवल जो कि सर्कल की ही एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है या स्ट्रेच्ड फॉर्म उसको बोल दें उसके बाद स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइ हेक्सागोन, पेंटागोन, क्यूब और कुछ इस तरह के डिफरेंट शेप्स जो है हमारे माइंड में आती हैं। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द वर्ल्ड मैथमेटिक्स जो है हमारे माइंड में एक गेम चलती है कि इसमें नंबर्स हो सकते हैं ऑपरेशंस होंगे ऑपरेशंस के अलावा डिफरेंट शेप्स होंगी तो इन नंबर्स, शेप्स और ऑपरेशंस को माइंड में रखते हुए हम मैथ से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। लेक्चर बेसिकली ओरिजिनेटेड है ग्रीक लैंग्वेज से एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज जो है वो ग्रीक लैंग्वेज क्या है? जी, जो है, एक है जिस तरीके से पाकिस्तान एक कंट्री है इसी तरीके से ग्रीस एक कंट्री है ग्रीस के जो रिहायशी हैं ग्रीस के जो रहने वाले लोग हैं वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं जैसे पाकिस्तान में उर्दू को यूज करते हैं हमारी जो लैंग्वेज है इसी तरीके से ग्रीस वाले जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज है ग्रीक एंशंट ग्रीक जो कदीमी यूनानी जुबान है उसमें वर्ड मैथीमा से ये ओरिजिनेटेड है मथीमा से निकला है जिसका मतलब है दैट विच इज़ लर्नड जो सीखा जाए वाट वन गेट्स टू नो कोई ऐसी चीज जिसके बारे में कोई कुछ जान जानना चाहता हो जिस लर्निंग जिसके बारे में कुछ सीखा जाए नॉलेज किसी चीज के बारे में इल्म हासिल करना तो ग्रीक वर्ड मैथीमा से ये मैथमेटिक्स का वर्ड ओरिजिनेटेड है जिसका मतलब इन शॉर्ट किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना है डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं कि हमारा जो नंबर्स, शेप्स फॉर्म्स और डिफरेंट जो ऑपरेशन हैं उनके अकॉर्डिंग जो मैथ के बिहाइंड एक हमारा जो मेंटल एबिलिटीज हैं उनमें जो एक इमेज क्रिएट होता है उसको मद्देनजर रखते हुए सिंबल्स पैटर्न्स, लॉजिक्स मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम नंबर्स को जो हम नंबर्स डेली लाइफ में यूज करते हैं मतलब वन टू थ्री अप टू सो वन डिफरेंट शेप्स को जो हमारी डिफरेंट शेप्स हमने अभी डिस्कस किया है कि सर्कल है ओवल है है, ट्रायंगल है स्क्वायर है, है वो डिफरेंट शेप्स को कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे ग्रेटर देन का सिंबल है लेसर का सिंबल है नॉट इक्वल का सिंबल है तमाम सिंबल्स को और कुछ पैटर्न्स पैटर्न्स क्या हो सकते हैं नंबर्स इनमें आ सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू सोन नंबर्स के बाद शेप्स शेप्स कौन कौन सी आ सकती हैं इसमें सर्कल आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल, उसके बाद आपके पास आ जाएगी कोन और इनके अलावा डिफरेंट शेप्स आ जाएंगी सिंबल्स की अगर हम बात करें तो सिंबल्स में ग्रेटर देन लेस देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और इसके अलावा हमारे पास नॉट इक्वल टू ये तमाम सिंबल्स यूज होते हैं इसके अलावा अगर पैटर्न की बात कर लें तो पैटर्न कौन कौन से हो सकते हैं लेट्स सपोज यहां पे मैं नंबर लिखता हूं टू फोर सिक्स एट एंड टेन अब यहां पे अगर मैं सीक्वेंस देखूं तो यहां पे सीक्वेंस कुछ इस तरीके से कि टू में हमने टू किया है प्लस को तो फोर आ गया फोर में टू प्लस किया तो सिक्स सिक्स में टू प्लस किया तो एट एट में टू प्लस करते हैं तो हमारे पास टेन आ जाता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक स्पेसिफिक पैटर्न चल रहा है ये पैटर्न कौन सा है कि पिछले नंबर में प्रीवियस नंबर में टू ऐड करेंगे तो हमारा जो है नेक्स्ट जो डिजिट है वो काउंट हो जाएगा इसी तरीके से ये प्रीवियस डिजिट है इसमें टू हमने ऐड किए तो हमारा नेक्स्ट डिजिट बन जाएगा पैटर्न्स के अलावा लॉजिक्स हैं जी लॉजिक्स को हम रीजंस भी बोलते हैं रीजन बिहाइंड एनी एक्शन कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसके बिहाइंड जो भी रीजनिंग होगी उसको हम लॉजिक्स uh, में कंसिडर करते हैं उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन है जी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद नंबर्स विच इन्वॉल्व कैल्कुलेशन एंड मेनली फोकसिस ऑन द क्वांटिटीज शेप्स मयरमेंट्स इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि ये जो मैथमेटिक्स है ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और बेसिकली नंबर्स की कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं और कैलकुलेशन जब इन्वॉल्व की जाती हैं तो उनमें मेन फोकस जो होता है वो क्वांटिटीज़ पे होता है जो कि उन कैलकुलेशंस की बेसिस पे होती हैं और उनके अलावा डिफरेंट शेप्स पे होता है जो शेप्स आप डिफरेंट uh, मैथ्स में हम इनसे पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं उसके अलावा उन शेप्स की जो लेंथ्स होती हैं उनकी मेयरमेंट पे होता है थर्ड डेफिनेशन इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज नंबर्स फॉर्म्स एंड देयर रिलेशनशिप्स मैथमेटिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्टडी करती है नंबर्स को नंबर्स की डिफरेंट फॉर्म्स को और उनके रिलेशनशिप्स को नंबर्स की फॉर्म्स क्या है हम आगे इनशाला जो नंबर सिस्टम है इनशाला हम उसमें पढ़ेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा अभी के लिए नंबर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आप अपने माइंड में रखें और उनके अलावा उनके रिलेशनशिप्स जो हैं उनको स्टडी करती है बेंजमिन पियर्स की है डेफिनेशन ये कहते हैं जी द साइंस विच ड्रॉज दी नेसेसरी कंक्लूजनस वो साइंस जो नेसेसरी कंक्लूजन ड्रॉ करती है उसको मैथमेटिक्स कहा जाता है नेसेसरी कंक्लूजन किस तरीके से लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि के आपके पास एक थाउजेंड रुपीज हैं आप बाहर से शॉपिंग करने के लिए गए हैं और आप लेके आए हैं वन के जी चिकन जो कि आ गया फाइव थर्टी रुपीज का आप योगर्ट ले ट्रू हंड्रेड पीकेआर का और कोई रेसिपी मसाला ले आए रेसिपी मिक्सर वो आ गया जी आपका हंड्रेड पीकेआर का लगा ले अब आपसे घर वाले कहते हैं कि आपको हंड्रेड रुपीज दिए थे हमें उनका हिसाब लगा के नहीं ऐड दिया एंड आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं आप सिंपली क्या करेंगे आप ये जो तमाम की तमाम आपकी एक्सपेंसेस हुए इनको आप सम करेंगे लाइक like 530 थर्टी प्लस टू प्लस हंड्रेड कितना बन जाता है जी 530 थर्टी प्लस टू हंड्रेड सेवन प्लस हंड्रेड एट थर्टी तो ये टोटल बन गया एट थर्टी के आर अब थाउजेंड में से एट थर्टी के आर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है थर्टी के आर तो ये हमारे पास बच गया वन सेवनटी पी के आर आप सिंपल ये बता देंगे कि मामा या भाई या बाबा आपने हमें दिए थे वन थाउजेंड रुपीज उसमें से आपके वन रुपीस रुपीज बच गए ये आपका नेसेसरी कंक्लूजन है एट दी एंड यहाँ पे बताने के लिए कि आपके पास, कि आपके पास पास ये इतने पैसे थे आपके पास इतने पैसे थे और आपके पास जो एक्सपेंसिज हुए हैं वो माइनस करके ये आपका नेसेसरी रिजल्ट आया है जो कि आपने घर वालों को बताना है फिफ्थ डेफिनेशन है जी मैथमेटिक्स इन अ ब्रॉडर सेंस इज अ बडी ऑफ नॉलेज दैट इंक्लूड टॉपिक्स एज ये एक वास्ट सब्जेक्ट है मैथ जो है इसको एज ए ब्रॉडर सेंस जब हम कंसीडर करते हैं तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जब हम नंबर्स को डिस्कस करते हैं तो नंबर्स में अरिथमेटिक और नंबर थ्योरी आ जाती है है अरिथमेटिक क्या जी वो तमाम थे जिनको हम नंबर्स के साथ यूज uh, करते हैं और नंबर थ्योरी क्या है जी नंबर से रिलेटेड कोई भी अगर हम कोई स्पेसिफिक थ्योरी से रिलेटेड अगर हम नंबर्स को डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास नंबर थ्योरी कहलाती है फॉर्मूलाज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जब आप डिफरेंट फार्मूलाज और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आप डिस्कस करेंगे तो वल्जब्रा में कंसिडर की जाएंगी शेप्स एंड स्पेसिस इन विच दे एग्जिस्ट जब डिफरेंट शेप्स के बारे में और वो स्पेसिस जिनमें ये शेप्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनको कंसिडर करेंगे तब वो ज्योमेट्री कहलाएंगे क्वान्टिटीज एंड देयर चेंजेस क्वांटिटीज होंगी और उनका जो रेट ऑफ चेंज होगा या उनकी चेंजिंग होगी वो आप कैलकुलस एनालिसिस में स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा है Origin of mathematics and different definitions of mathematics.